कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन में वैसे मजदूर, कामगार, दुकानदार के समक्ष आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन अपने काम के एवज में पैसे मिला करते थे। इनमें फूल और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी शामिल हैं। आज ऐसे ही जरूरतमंदों के बीच देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा करीब 120 फूल और पूजा सामग्री बेचने वालों के बीच अनाज का वितरण किया गया। ये सभी दुकानदार बाबा मंदिर में फूल और पूजा की सामग्री बेचा करते थे। अभी लॉकडाउन के समय बाबा मंदिर बंद है और काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी और काफ़ी सारे लोग इस पर निर्धारित हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने एक बैठक भी की थी अपने मंदिर कमेटी की, पंडा धर्म मिश्री के अध्यक्ष महामंत्री सभी के साथ, और एक उनका कंसर्न था कि कुछ नीडी लोग हैं जिनको राशन की आवश्यकता है। तो हम लोग अपनी तरफ से हम लोगों ने एक पहल की है कि जो पंडा समाज के जो जिन लोगों को ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको, उनके लिए हम लोगों ने एक राशन किट बनाया है और उसमें 80% हम लोग मंदिर प्रशासन की तरफ से और 20% पंडा धर्मरक्षी ने सभा कॉन्ट्रीब्यूट कर दी और उसको हम लोग डोर टू डोर हम लोग डिलीवर करा रहे हैं। धर्मरक्षी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं के माध्यम से फर्स्ट फेज में हम लोगों ने कल उन्हें 300 पैकेट हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और हमने सूची भी उनसे मांगी कि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको प्रायोरिटी पे देते हुए पहले हम लोग देंगे। दूसरा एक पहलू है कि जो मंदिर में जो कार्यरत कर्मी हैं, जो जैसे सफाई कर्मी हो गए, जो फूल विक्रेता हैं, अन्य जो मंदिर का काम करते हैं या नाई है, इस तरीके के जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हम लोग मंदिर प्रशासन की तरफ से भी हम लोग राशन उपलब्ध करा रहे हैं और जैसे जैसे ज़रूरत और डिमांड आ रहा है हम लोग ऐसे करेंगे। तो क्योंकि अभी मंदिर बंद है लॉकडाउन में, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हेल्प की आवश्यकता है, तो हम लोग इसको